أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My topic of today's lecture is Pakistan Research Repository. I myself, Abid Hussain, MPhil scholar in Library and Information Science. And if you have any query regarding this lecture or oral videos, you can write to abidhussain@gmail.com. बहुत सारे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी के बारे में नहीं पता, जो कि चीसी ने बनाई है, जिस पे थीसिस अवेलेबल किए गए. आज मैं आपको इसकी मौजूदा स्टेटस बता दूंगा कि ये क्या है और इसका फंक्शन क्या है. व्हाट इज पीआरआर? पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी क्या है? द पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन चीसी रिसर्च रिपोजिटरी इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट सर्व्स एज सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिपोजिटरी फॉर रिसर्च आउटपुट्स from universities institutions in Pakistan. It is managed by the Higher Education Commission of Pakistan, which is responsible for overseeing higher education and research initiatives in the countries. PRR को जो ना HEC ने लॉन्च किया हुआ था और उसमें MPhil और PhD की थीसिस जो ना इंडेक्स किए गए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, और इसका मकसद क्या है कि रिसर्च कल्चर को प्रमोट करना और यूनिवर्सिटी की रिसर्च को सामने शोकेस करना. The GC Research Repository aim to achieve archive research outputs. Repository archives a wide range of research outputs, including journals, articles, conferences, papers, thesis, dissertation reports, and other scholarly works produced by researchers affiliated with Pakistan universities and institutions. इसका काम क्या है कि जर्नल्स, आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, थीसिस, डिसर्टेशन और रिपोर्ट्स जो कि पाकिस्तानी स्कॉलरली वर्क के और ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोड्यूस किया, खासकर यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन कमीशन की जो यूनिवर्सिटीज या यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्हीं को सामने लाना. प्रमोट ओपन एक्सेस. मैनी आइटम्स इन दी चीज की रिसर्च रिपोजिटरी आर अवेलेबल इन ओपन एक्सेस, meaning they are freely accessible to the public without any subscription or payment barriers. This promotes wider dissemination and visibility of Pakistani research globally. Pakistan mein jitna research culture promote ho raha hai ya jahan jahan pe higher education commission institution mein jo jo research promote ho raha hai usko open access services provide karna without spending any payment, facilitate discovery and access. Researchers, students, policy makers, and general public can use this repository to discover and access wealth of scholarly contents produced by Pakistani scholar across various disciplines and fields of the study. मजे की बात यह कि एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन के साथ नहीं, बल्कि जितनी यूनिवर्सिटियाँ जो जो सब्जेक्ट पढ़ाती है और उनमें लोगों ने थीसिस प्रोड्यूस किए हुए, तो इसकी एक कॉपी जो ना ऑटोमेटिकली चीसी रिपोजिटरी में जा रही होती है. अब आ जाते हैं कि चीसी रिपोजिटरी एम्स टू इंक्रीज रिसर्च इंपैक्ट बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर शोकेसिंग रिसर्च आउटपुट्स. चीसी रिसर्च रिपोजिटरी हेल्प्स रिसर्चर इंक्रीज द विजिबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ देयर वर्क बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली. इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स कोलाबरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग अमंग रिसर्चर्स. Support institutional repositories. Many universities and institutions in Pakistan have their own institutional repositories linked to the HEC research repository. This integrates, allows for seamless sharing and aggregation of research output at both institution at and national levels. इसका काम क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च प्रोड्यूस कराई और वो HEC रिसर्च रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट की हुई, ताकि लोगों को इसकी रसाई हो और फ्री ऑफ कॉस्ट. अब जो मौजूदा सूरत हाल है, ये मैंने स्क्रीन शॉट निकाला हुआ है कि इसमें कितनी थीसिस सब्जेक्ट वाइज और डेट वाइज पड़ी हुई. तो 2020 और 2023 के दरमियान जो थीसिस अपलोड की हुई तो वो है 5925, और इस तरह 2010 और 2019 के दरमियान 11041 थीसिस अपलोड कराई गई थी. 2000-2009 के दरमियान 2951 थीसिस अपलोड कराई गई थी. 1990-1999 के दरमियान 965 थीसिस अपलोड कराई गई थी. 1980-89 के दरमियान 328 थीसिस अपलोड कराई गई थी. 1970-79 के दरमियान 141, और इसी तरह ये 1933-1939 के दरमियान जो पहले
थीसिस थी वो तीन है। अब इसकी सब्जेक्ट वाइज डिसिप्लिन में आ जाते हैं, तो नेचुरल साइंसेस पे 3533, अप्लाइड साइंसेस पे 1995, सोशल साइंस पे 1541, मैथमेटिक्स पे सिर्फ मैथमेटिक्स पे 1297 थीसिस, केमिस्ट्री पे 1236 थीसिस, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस पे 1216, बायोलॉजी पे 1214, केमिस्ट्री एंड एलाइड साइंसेस पे 1207, एजुकेशन पे 1206, फिजिकल साइंस पे 1199। और इस तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाए तो आपको हर सब्जेक्ट की हर डिसिप्लिन की थीसिस मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग माई यूट्यूब चैनल, सो यू कैन राइट टू abidushin@gmail.com। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।